मेरा नाम सैयद महफूजुर रहमान है, मैं लखनऊ हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ और यहाँ एक पैन इंडिया एक्ट टीम काम करती है सिविल राइट्स के लिए, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। उसका मैं यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यूपी का प्रभारी भी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अक्टूबर को एक कम्युनल वायलेंस हुआ था बहराइच के महाराजगंज महसी इलाके में, जिसमें बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक नौजवान की जान भी चली गई थी। उसमें कार्रवाई भी हुई, मल्टीपल FIR दर्ज हुई। परसों एक नोटिस कुछ दिनों में चिपका दिया जा गया 18 तारीख को, जो कि उस पर 17 तारीख पड़ी हुई थी। 23 घरों को डिमोलिशन के लिए उनको 3 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज खत्म हो रहा था। जिन 23 घरों को नोटिस दिया गया था उसमें अधिकतर घरों के जो लोग थे वो या तो जेल में थे या वहां से गायब थे, डर के भागे हुए थे। इसीलिए हमने जनहित याचिका की कि जिनको नोटिस मिली है वो कोर्ट अभी नहीं आ सकते, वो वहां पे है नहीं, और तब तक की चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक की सारी जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, डिमोलिशन की प्रक्रिया है, इसको रोक दिया जाए और उनको सुन के इसके बाद ऑर्डर कर दिया जाए। जब ऐसी स्थिति में आ जाए वापस के अपने घर पे आ जाए तब उनको नोटिस दिया जाए, उनका जवाब लेके जो भी कार्रवाई करती है वो जो भी सक्षम अधिकारी है करे। कोर्ट ने बहरहाल बात का संज्ञान लिया और कोर्ट ने प्रशासन से संपूर्ण जो दिशा निर्देश है पूरे मानपुरे पटोड़ा में इंस्ट्रक्शन सीख किया है, 3 दिन का वक्त दिया, बुध को मुकदमा लगाया है। तो जो भी पीड़ित पक्ष है जिनकी तरफ से हमने जनहित याचिका दाखिल की थी, उनको 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर अपनी जो भी बात कहनी है वो लिखित में जो भी सक्षम अधिकारी है उनको पीड़ित पक्ष दे, और जो ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं उस जवाब को बहुत ही रीजन और स्पीकिंग ऑर्डर से, मतलब कि सही निर्णय लेते हुए उसके बाद उस पर आदेश पारित करें। कितनी मोहलत, कितना समय उनको दे दिया गया है। मुकदमा बुधवार को लगाया है हाईकोर्ट में, फिर से सुनवाई।